Hello everyone. welcome to Pharma is here I post videos on pharmaceutical subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you' find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on solubility of drugs. It is the part three. Here we will discuss on various idle solubility parameters for link of part 1 and two. जिस पर आप आपको मैंने इंट्रोडक्शन एंड देन वेरियस सॉलिड सॉलवेंट इंट्रैक्शन मैकेनिज्म तक जो है एक्सप्लेन किया हुआ तो वो आपको पार्ट वन एंड पार्ट टू में मिल जाएगा दैट इज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा सो so, आपका स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आइडल सॉलिब्रिटी होता क्या है आइडल सॉलिब्रिटी होना मतलब जब परफेक्ट सॉल्यूट को परफेक्ट सॉल्वेंट के साथ हम मिक्स करेंगे लाइक ए एंड बी ए एंड बी के लिए जब आपका सॉल्यूशन जब वो फॉर्म करे और वो परफेक्टली सॉल्यूशन फॉर्म करे तो वो आपका आइडल सॉलबिलिटी कहलाएगा मींस किसी भी सॉल्यूट के लिए फॉर एनी सॉल्यूट इफ़ वी मेक सॉल्यूशन विथ अ परफेक्ट सॉल्वेंट देन इट इज़ आइडल सॉलिबलिटी और क्या होता है परफेक्ट सॉल्वेंट मींस व्हेन यू मिक्स द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हो तो मिक्स करते समय किसी भी तरह का एनर्जी पेनाल्टी यानी कि एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए एनर्जी लॉस या एनर्जी पेनाल्टी कहने का मतलब ना हीट रिलीज हो ना हीट एब्जॉर्ब हो हीट एक्सचेंज ना हो हीट प्रोड्यूस लॉस कुछ नहीं होना चाहिए व्हेन वी आर फॉर्मिंग द सोल्यूशन दैट इज ड्यूरिंग द डिजोल्यूशन प्रोसेस सो आइडल सोलिब्रिटी जो होता है बेसिकली आपका एनर्जी पेनल्टी पे ही डिपेंड करता है एंड एनर्जी पेनल्टी किस चीज़ का जब आपके ड्रग्स का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो आपका ब्रेक होता है एंड ड्रग मेल्ट होता है टू डिज़ोल्व अगर आपका ड्रग लिक्विड फॉर्म में है तो फिर तो आपका सॉल्यूट भी लिक्विड हुआ सॉल्वेंट सॉल्वेंट uh, भी लिक्विड हुआ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड लिक्विड वहाँ पे मेल्ट का कोई सीन नहीं है बट व्हेन द ड्रग इज सॉल्यूड आई मीन सॉलिड वैन द ड्रग इज़ सॉलिड तब आप उसे जब मिक्स करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक शुगर को अगर आप मिक्स करते हो वाटर सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर आपका मेल्ट करेगा इन दाटर देन ऑनली इट विल डिजॉल्व अगर वो मेल्ट नहीं हो रहा है इट मीन्स इट इज़ नॉट सॉल्यूबल वो सोल्यूबल नहीं है सॉल्यूबल होने के लिए उसे मेल्ट होना ज़रूरी है कोई भी आप ड्रग को देख लीजिए वो मेल्ट होकर ही उसके साथ मिक्स होता है टू फॉर्म द सोल्यूशन अगर आप ड्रग का सोल्यूशन बनाते हो इन दैट केस सो so एनी तो अगर आपका ड्रग जब मेल्ट हो रहा है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगर वहाँ पे हीट ना प्रोड्यूस हो ना रिलीज हो देन उस तरह के ड्रग का सोल्यूशन को हम कहेंगे आइडल सोलबिटी इट तो मीन्स आपने जिस सॉल्वेंट को चूज़ किया वो सॉल्वेंट आपका ड्रग के लिए परफेक्ट सॉल्वेंट था दैट्स वाई हीट ना एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ी ना हीट को रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ी हाँ आप एक्सटर्नली हीट दे रहे हो जल्दी से वो डिज़ोल्व हो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग बट पैरामीटर यहाँ पर जब हम सॉलिबिलिटी पैरामीटर देख रहे हैं आइडल सॉलिबिलिटी देखना चाहते हैं इन दैट केस मैं बता रही हूँ कि आपको हीट uh, देने की मैं बात नहीं कर रही सिम्पली वैन यू आर मिक्सिंग दॉलिट एन सॉल्वेंट इन दैट केस अगर आपका हीट ना लॉस होता हो ना एब्जॉर्ब होता हो दैन इट विल बी नोनेस इट विल बी कॉल्ड आइडल सोलिब्रिटी सो नाउ आपके जो वेरियस पैरामीटर्स हैं टू डिटरमाइंड वेदर द सोल्यूशन इज आइडल और नॉट वो है आपका हिल ब्रैंड सोलिब्रिटी पैरामीटर एंड हैं सोलिब्रिटी पैरामीटर पैरामीटर एक तरह से एक स्केल है एक मेजरिंग स्केल है जिसके द्वारा आप किसी भी सोल्यूशन का आइडलिटी को मेज़र कर सकते हो मीन्स कितना वो आइडल है कितना वो परफेक्ट सोल्यूशन है वो आप मेज़र कर सकते हो टू मेज़र द परफेक्शन ऑफ एनी सोल्यूशन दिस सॉलिबिटी पैरामीटर्स आर यूज सो हिलब्रैंड एंड हैंसन यही दो आपके सॉलिबिटी पैरामीटर्स हैं तो चलिए इसको डिटेल्स में जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट हिलब्रैंड सोलिबिटी पैरामीटर सो हिलब्रेंड सॉलिबिटी पैरामीटर क्या होता है इट गिव्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मटेरियल्स दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर्टिकुलर सॉल्यूट पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ जब इंट्रैक्शन करेगा ऑब्वियसली सॉल्यूशन जो फॉर्म करता है तो उनमें इंट्रैक्शन होता है जिसको हमने स्टडी किया सॉल्यूड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन मैकेनिज्म में तो जो वो इंट्रैक्शन होता है सॉल्यूड सॉल्वेंट के बीच में तो कितना बेटर वे में इंट्रैक्शन करेगा उसका न्यूमरिकल वैल्यू एस्टिमेट करते हैं हम हिलब्रेन सोलबिटी पैरामीटर के द्वारा इट मीन्स आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना सॉल्युबल हो सकता है किसी टेम्परेचर पे। पर्टिकुलर सॉल्वेंट कितना सोलबलाइज कर सकता है पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर मान लीजिए कि आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का सिमिलर वैल्यूज़ मिलता हो अप्रॉक्सली सिमिलर या जितना सिमिलर हो सकेगा आपको मिलेगा इट मीन्स वो दो सॉल्यूट एंड सब्सटांस सॉल्यूट एंड सॉलवेंट सब्सटांस को आप यूज़ कर सकते हो फॉर मेकिंग सोल्यूशन बहुत बेहतर तरीके से घुलेगा भी और बहुत बेटर आपका सोल्यूशन फॉर्म करेगा बिकॉज इस पैरामीटर से आपको पता चलेगा कितना इंट्रैक्शन कर सकता है जितना सिमिलर वैल्यू उतना ही सिमिलर इंट्रैक्शन हो सकेगा सो एनी वेज इसको डिटेल्स में जानते हैं अकॉर्डिंग टू हिलब्रांड सॉलिबिलिटी पैरामीटर जो होता है इट इज़ द स्क्वायर रीट ऑफ कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी का ही हम स्क्वायर रूट लेते हैं जिससे हमें सॉलिबिलिटी पैरामीटर पता चलता है मीन्स आपका हिल ब्रांड सॉलिबिटी पैरामीटर में अगर हमें सॉलिबिलिटी डिटरमाइन करना है सॉलिबिलिटी कैपेसिटी सो वो आप डिटरमाइन करते हो बाई द स्क्वायर रूट ऑफ कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी फार्मूला की तरफ देखते हैं चलते हैं सो so, आपका क्या होता है इट इज़ स्मॉल डेल्टा जो आपका सिंबल दिख रहा है स्टार्टिंग में एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन इट इज स्मॉल डेल्टा स्मॉल डेल्टा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कोहेसिव डेंसिटी जो मैंने बताया तो आपके स्क्वायर रूट के अंडर जो टर्म है इट इज़ द कोहेसिव डेंसिटी का ही वो इस्टिमेशन है स्क्वायर रूट ऑफ कोहेसिव डेंसिटी एंड कोहेसिव डेंसिटी आपका क्या है वो स्क्वायर रूट के अंदर आपका गिवन है दैट इज अंडर रूट कैपिटल डेल्टा इसे कहते हैं डेल्टा एच वी माइनस आर टी बाई वी एल नाउ आपका ये जो है डेल्टा एच वी माइनस आर टी डिवाइडेड बाई वी एल ये आपका पूरी तरह से कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी है कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ उससे पहले सारे टर्म्स को मैं डिफाइन कर दूँ सो so, आपका जो स्मॉल डेल्टा है इट इज़ दॉलिडिटी पैरामीटर मतलब आपका सॉलिडिटी पैरामीटर का सिंबल यही होता है डिटरमाइनिंग के लिए आपको जो सिंबल यूज़ किया जाता है दैट इज स्मॉल डेल्टा डेल्टा एच वी इज हीट ऑफ वेपराइजेशन हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है सो so, कोई भी सबस्टांस चाहे आपका वो सॉलिड हो लिक्विड हो सॉलिड है तो वो मेल्ट करता ही है मेल्ट होने के बाद वो वेपराइज करेगा एट सर्टेन पॉइंट अगर वो मेल्ट करता है तो ऑब्वियसली वो वेपराइजेशन भी करेगा और ज़्यादा हीट मिलेगा तो कितना हीट चाहिए फॉर वेपराइजेशन दैट इज डेल्टा एच वी किसी भी सब्सटांस को वेपराइज होने के लिए कितना हीट चाहिए दैट इज डेल्टा एच वी वी एल क्या है मोलिकुलर वॉल्यूम एट ऑफ द लिक्विड एट डिजायर टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर में मोलर वॉल्यूम कितना है मतलब जब आपका कोई भी लिक्विड है इट मीन्स गैसियस स्टेज में जाने से पहले सॉलिड हो या लिक्विड जो भी गैसियस स्टेज में जाने से पहले लिक्विड फॉर्म तक में रहते तक उसका मोलर वॉल्यूम कितना है मतलब जब वो लिक्विड फॉर्म में आपको उसको जो है गैसियस फॉर्म में उसका मोलर वॉल्यूम नहीं लेना है कोई भी सब्सटेंस किसी भी सॉलिड या किसी भी लिक्विड किसी भी सॉलिड सब्सटेंस जिसका आप सॉलिडिटी मेजर कर रहे हो वो लिक्विड फेज में जब रहता है दैट इज़ अगर सॉलिड है तो वो मेल्ट होने के बाद एंड अगर लिक्विड हो तो ऑब्वियसली वो मेल्टेड फॉर्म में होना नहीं है वो ऑलरेडी लिक्विड लिक्विड नेचर में आपका है ही so, सो उस टाइम एंड उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसका मॉलर वॉल्यूम कितना है दैट इज वी एल नाउ आर आप सबको पता है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है जिसका एक पर्टिकुलर वैल्यू आपका फिक्स्ड है वेरास टी आपका टेम्परेचर जो टेम्परेचर पे आप सॉलिबिलिटी डिटरमाइन कर रहे हो वो टेम्परेचर आपका टेम्परेचर ऑलवेज फिक्स रहना चाहिए जब भी आप सॉलिबिलिटी डिटरमाइन कर रहे हो सॉलिबिलिटी स्ट्रेंथ देख रहे हो कुछ भी कर रहे हो सॉलिबिलिटी के लिए आपका टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप किसी भी टेम्परेचर पर क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर मैंने स्टार्टिंग में बताया अलग अलग टेम्परेचर में सॉलिबल होने का कैपेसिटी बदलता है ना नेक्स्ट इज़ आपका ये वैल्यू जो है इससे आपको जो आपका मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया है इस वैल्यू के द्वारा आपको सॉल्वेंसी प्रॉपर्टी पता चलेगा मतलब कितना कैपेसिटी है सॉलीबल होने का पर्टिकुलर सॉल्वेंट को सॉलीबल होने का कितना उसका कैपेसिटी है ये आपको पता चलेगा सॉलीबल होने का किसी सब्सटेंस को सॉलीबल होने में कितना कैपेसिटी कितना उसका कैपेसिटी है साथ ही साथ किसी सॉल्वेंट को सॉलीबलाइज करने का कैपेसिटी मतलब किसी का भी सोलीबल होने का चाहे वो सॉलिड है लिक्विड है जो भी आपका है उसे सोलिबल होने के लिए या सोल्यूबल करने के लिए कितना उसका कैपेसिटी है वो आपको पता चलता है इस वैल्यू के द्वारा कोहेसिव एनर्जी की बात करें अगर कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी तो ये होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स वेपराइजेशन मतलब कोई भी सब्सटांस जब वेपराइजेशन करता है यानी कि वेपराइज होता है तो वेपराइज होने के लिए यानी इवापोरेटेड होने के लिए गैसियस फेज में जाने के लिए उसको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है दैट इज़ कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी जो आपका कैलकुलेट करने का वही मेथड है जो आप स्क्वायर रूट के अंडर देखें डेल्टा एच वी माइनस आर टी बाई वी एल ये जो आपका पूरा इक्वेशन था अंडर रूट में वो आपका कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी था जो आपका क्या होता है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वेपराइजेशन के लिए ओके सो विच इज इक्वल टू द हीट ऑफ वेपराइशन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इन द कंडेंस फेज कंडेंस फेज मतलब पर्टिकुलर आपका टेम्परेचर पे कंडेंस फेज यानी कि लिक्विड फेज में लिक्विड फेज में जब वो सॉल आपका गैसियस नहीं बना है तो बिफोर गैसियर्स फेज जब लिक्विड आपका है तो उस टाइम पर आपका जो है कितना उसमें वॉल्यूम है उसका मोलर वॉल्यूम सो एनी वो आप लोगों ने देखा सो so, अगर आपका कोई भी मटेरियल डिजोल्व करेगा तो उससे पहले आपको उसका इंटरेक्शन देखना होगा कि कैसे वो इंट्रैक्ट करता है कितना इंटरेक्शन करता है सो so, जितना वो बेटर इंट्रैक्शन करेगा इतन, उतना ही उसमें कैपेसिटी होगा डिज़ोल्व होने का सो एज द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड सराउंडेड बाय दिस सॉल्वेंट क्योंकि आपका जो है जब वो कोई भी चीज़ सॉलीबल होता है कोई भी चीज़ जब सोलबल होता है तो वो तब आपका क्या होता है सराउंडेड हो जाता है बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट मतलब जैसे कि आप मान लीजिए सब्सटेंस ए को डिज़ोल्व कर रहे हो सब्सटेंस बी में तो जब वो सॉल्यूबल होगा यानी कि जब सब्सटेंस ए सब्सटेंस बी में खुलेगा तो क्या होगा डिजोल्व होने जब लगेगा तो ए के चारों तरफ बी का लेयर बन जाएगा बी जो कि आपका सॉल्वेंट है तो ऐसा ही आपका होता है कि ए के चारों तरफ बी के लेयर्स बन जाते हैं सो so, दर्ज आपका इंट्रैक्शन होना जरूरी है अगर इंट्रैक्शन नहीं होगा ए एंड बी में तो ए के चारों तरफ बी कैसे आपका लेयर बनाएगा ए एंड बी का इंट्रैक्शन दर्ज नेसेसरी होता है तो ये आपका इंट्रैक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और आपका कैसे ये पता चलता है मटेरियल्स जो कि सिमिलर सॉलिबिलिटी पैरामीटर वैल्यू देता हो उसी से आपको पता चलेगा कि इट मीन्स वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पॉलीएथिलीन जिसका सॉलिबिटी पैरामीटर वैल्यू होता है सेवन पॉइंट नाइन कैलरी टू दावर हाफ सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर थ्री टू दावर सॉरी थ्री बाई टू सेवन पॉइंट नाइन कैलरी आपका वन हाफ डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर थ्री बाई टू ये आपका यूनिट है एनी आपका सॉलिबिटी पैरामीटर ओवरऑल अगर बात करूँ तो सेवन पॉइंट नाइन है इसके लिए जो आपका गुड सॉल्वेंट हो सकता है वो हो सकता है डाईथिलन ईथर वेल एज हेक्सन क्यों क्योंकि डाईथिलीन ईथर का जो वैल्यू है वो है सेवन पॉइंट सिक्स टू वेलेज हैक्सन का वैल्यू है सेवन पॉइंट टू फोर ये दोनों ही आपके सेवन पॉइंट नाइन से काफ़ी सिमिलर काफ़ी अप्रॉक्स है सो so, आपको अगर डिजोल्व करना हो पॉलीथिलिन को तो आप डाईथिलीन ईथर या फिर हेक्सन में डिजोल्व कर सकते हैं इजिली उसी तरह नायलॉन सिक्स सिक्स इसका सॉलिबिटी पैरामीटर होता है थर्टीन पॉइंट सेवन कैलरी हाफ बाई सेंटीमीटर थ्री बाई टू सो आपका थर्टीन पॉइंट सेवन है सॉलिबिटी पैरामीटर एंड इसके लिए आपका परफेक्ट जो सॉलिवेंट हो सकता है वो हो सकता है इथेनॉल इथेनॉल बिकॉज उसका ट्वेल्व पॉइंट नाइन टू है अब मैं बताऊँ ये परफेक्ट नहीं होगा परफेक्ट तभी होगा अगर आपका थर्टीन पॉइंट सेवन है और एग्जैक्टली exactly किसी और सब्सटेंस का भी थर्टीन पॉइंट सेवन ही हो तब वो बिल्कुल परफेक्ट होगा बट बिल्कुल परफेक्ट तो हमें आप सबको पता होगा मैं आगे जाकर बढ़ाऊंगी जब तो आप लोगों को पता चलेगा कि रियलिटी में आइडल सॉल्यूशन पूरी तरह से आइडल सॉल्यूशन फॉर्म होना मुश्किल होता है दस अप्रॉक्सली अगर सिमिलर है तो भी हम उसे मान सकते हैं कि हाँ सोल हाँ अगर आपका थर्टीन पॉइंट सेवन को आप डिजोल्व करना चाहोगे सेवन पॉइंट नाइन या सेवन पॉइंट टू फोर ऐसा किसी चीज़ के साथ तो वो बहुत कम इंट्रैक्ट करेगा एक दूसरे के साथ रीज़न क्या है डिफरेंस इन दी सॉलिबिटी पैरामीटर सो आपका जितना नियरेस्ट वैल्यू में आपको सॉल्यूट एंड सॉलवेंट मिले उतना ही उसमें सॉलिबिटी बेटर आपको मिलेगा एंड इसका जो यूज़ होता है वो मोस्टली सॉलिबिटी एंड स्वेलिंग के लिए होता है ऑफ द पॉलीमर्स बाई सेंट मतलब आपका जो हिल ब्रैंड सॉलिबिटी पैरामीटर वो ज़्यादातर नॉन पोलर सब्सटांसिस के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें भी नॉन पोलर में कैसे नॉन पोलर सब्सटांसेस दैट इज़ पॉलीमर्स किसी तरह के पॉलीमर्स uh, आपके नॉन पोलर होते हैं सो so किसी तरह का पॉलीमर कितना सॉलिबल हो सकता है या कितना स्वे, आपका स्वेल कर सकता है ना सॉल्वेंट वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट इज आर हैंडस्यू पैरामीटर बट बिफोर दैट टू डेज्यू फैक्टूड फैक्टर्स इफ ओजो लेयर अराउंड द अर्थ इज डिस्ट्रॉयड इट वुड टेक ओनली सिक्स मिनट्स फॉर अ ह्यूमन टू गेट हॉरिबली सनबर्न ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ यूर रेज जी हाँ आपका ओजोन लेयर आपको इतना प्रोटेक्शन देता है कि आपको हल्का जो सनबर्न आप देख रहे हो वो तो बहुत रेयरेस्ट है बट अगर ओजोन लेयर पूरी तरह से आपका ख़त्म हो जाए देन अगर आप सन uh, रेज पास जाओ यू वी रेज से विद इन सिक्स मिनट्स जस्ट सिक्स मिनट्स में ही आपको सीवियर सनबर्न हो सकता है काफ़ी ज़्यादा सीवियर सो एनी वेज नेक्स्ट इज हैं सॉलिबिलिटी पैरामीटर ये मैं आप लोगों को बताने के बाद दोनों के बीच में डिफ्रेंसेस भी बताऊंगी जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए विच इज द पॉइंट टू बी नोटेड सॉरी वेज हैंस सॉलिबिलिटी पैरामीटर की बात करें हैंसन एंड हैंस दोनों वर्ड यूज किया जाता है कहीं आपको एच ई एन एस सी एन मिलेगा कहीं एच ए एन एस सी एन मिलेगा सो बोथ आर ओवरऑल करेक्ट हैंस सॉलिबिलिटी पैरामीटर जो है इट इज़ अ वे ऑफ प्रोडिक्टिंग इफ वन मटेरियल विल डिजॉल्व इन अनादर जहाँ वहाँ आप डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन देखते हो यहाँ पे आपको देखना ये होता है इसके द्वारा हम पता करते हैं कि एक सब्सटेंस दूसरे में सॉलीबल होगा या नहीं वहाँ पे हम देखते हैं कितना सॉलीबल होगा कितना इंट्रैक्शन करेगा यहाँ पे हम सिंपली देखते हैं सॉलीबल होगा या नहीं होगा सो so, होगा कैसे पता करते हैं यहाँ पर हम वेरियस कंपाउंड्स के बीच के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं अगर सिमिलर स्ट्रक्चर है सिमिलर बॉन्डिंग है देन इट विल इंट्रैक्ट विथ ईच अदर अगर सिमिलर बॉन्डिंग नहीं है तो Uh, क्या होता है हमारा ये मतलब इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये आपका गेसिंग होता है दैट दे विल नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर दस आपका हैंसन पैरामीटर जो है इसमें बेसिकली आपके तीन पार्ट्स होते हैं यहाँ पे हम क्या देखते हैं वेरियस स्ट्रक्चर आपके सब्सटेंस का आपका जो मटेरियल है सॉल्यूट है सॉल्वेंट है ए बी जो भी सब्सटेंस आप जिसका मेजर हो उसका हम बॉन्ड फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर्स के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन है अगर सिमिलर बॉन्ड फॉर्मेशन है इट मीन्स दोनों मिक्सअप होंगे अगर बॉन्ड दोनों में बॉन्ड्स जो है वो अलग अलग तरीके का है देन सिंपली हम मान लेते कि वो मिक्स नहीं होंगे वो सोलिब्लाइज नहीं होंगे सो हैंसन पैरामीटर में आपके तीन तरह के बॉन्ड्स को हम देखते हैं तीन पार्ट्स में वो डिवाइडेड है फर्स्ट इज द डिस्पर्सन फोर्स कॉम्पोनेंट सेकेंड इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्पोनेंट एंड थर्ड इज डाइपोल डाइपोल कॉम्पोनेंट तो तीन तरह के बॉन्ड्स को हम कंसिडर करते हैं सो so, आपका जो इक्वेशन है इट इज स्मॉल डेल्टा स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू स्मॉल डेल्टा स्क्वायर डी प्लस स्मॉल डेल्टा स्क्वायर पी प्लस स्मॉल डेल्टा स्क्वायर बी अब इन सारे डेल्टास का मैं वैल्यू बताऊँ तो आपका जो डेल्टा टी है ये आपका किस चीज़ के लिए है डेल्टा टी इज़ फॉर आपका है टोटल पैरामीटर टोटल जो आपका सॉलिडिटी है उसके लिए है एंड देन डेल्टा डी जो है वो है आपका किस चीज़ के लिए डिस्पर्सन के लिए इट मीन्स आपका डिस्पर्सन कॉम्पोनेंट जो मैंने तीन कॉम्पोनेंट्स बताए उसमें से डिस्पर्सन कॉम्पोनेंट है डेल्टा डी डेल्टा पी जो है वो आपका डाइपोल डाइपोल जो इंट्रैक्शन है डाइपोल डाइपोल जो पोलैरिटीज आपका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है वो है एंड डेल्टा बी है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए तो ये आपके हो गए डी फॉर डिस्पर्सन फोर्स कॉम्पोनेंट बी फॉर डाइपोल डाइपोल वेर एज आपका बी जो है दैट इज फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्पोनेंट अब अगर मैं इन तीनों चीज की बात करूँ कि ये तीनों चीज क्या है तीनों कॉम्पोनेंट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे डिस्पर्सन फोर्स के बारे में सो so, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूँ कि इसके द्वारा आप जो कॉम्प्लिकेटेड थ्री डी स्ट्रक्चर्स होते हैं सॉलिबिलिटी के लिए आप किसी भी सब्सटेंस का कॉम्प्लिकेटेड थ्री डी स्ट्रक्चर को देख सकते हो जहाँ आपका पहला वाला जो मैंने बताया हिंडर ब्रांड वहाँ पे आप जहाँ सिंपली उनका इंट्रैक्शन देख सकते थे यहाँ पे आप जो है डिटेल्स में उनके स्ट्रक्चर के अंदर के बॉन्डिंग्स को देखते हो दस ये आपके कॉम्प्लिकेटेड थ्री डी डायमेंशन सॉलिबिलिटी पैरामीटर आपका एक तरह का है यहाँ पे आपके जो लंडन डिस्पर्सन फोर्स है लंडन डिस्पर्सन फोर्स जिसे आप सिंपली डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हो अदरवाइज ये लंडन डिस्पर्सन फोर्स भी कहलाता है डेट इज डिस्पर्सन फोर्स कॉम्पोनेट सो वहाँ पे आप एनर्जी डिटरमाइन करते हो डिस्पर्सन फोर्स का आपका जो डिस्पर्सन कॉम्पोनेंट है वहाँ पे आप डिटरमाइन करते हो कितना एनर्जी लगता है डिस्पर्सन फोर्स के लिए सो so आपका डिस्पर्सन फोर्स क्या है डिस्पर्सन फोर्स आपका टेम्प्रेरी अट्रैक्शन फोर्स है मैंने सॉलिड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ाया है आप लोगों को पार्ट टू में वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे नॉन पोलर सब्स्टांस के अंदर पोलैरिटी जनरेट होता है तो उसके लिए आपको पार्ट टू ऑबियसली देखना चाहिए अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एनी वेज़ नॉन पोलर सब्सटांसिस के अंदर जब पोलैरिटी जनरेट होती है बिकॉज वो नॉन पोलर है मीन्स उसमें पोल्स नहीं है अनटिल एंड अनलेस उसमें पोल्स जनरेट नहीं होगा दैट इज़ प्लस एंड माइनस पोल्स नहीं जनरेट होंगे तब तक वो सोलबल सोल्यूबल नहीं हो पाएगा मतलब आप सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी के साथ मिलाना चाहते हैं दोनों ही नॉन पोलर हैं तो वो तब तक ए एंड बी मिक्स नहीं होंगे जब तक कि उनमें पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी तो वहाँ पे पोलैरिटी रहता नहीं है वहाँ जनरेट होता है अगर कोई सब्सटेंस ए एंड बी पोलर है तो पोलर होने का मतलब है कि ऑब्वियसली उनमें प्लस एंड माइनस दो पोल्स अवेलेबल होंगे बट नॉन पोलर में ऐसा नहीं होता तो नॉन पोलर में जनरेट होता है दैट इज बाई हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस सेल में रोटेट करते करते जब किसी पर्टिकुलर सर्टेन टाइम के लिए किसी एक तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कलेक्ट हो जाए अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी एक तरफ आकर के कलेक्ट हो जाते हैं रोटेशन के दौरान जस्ट अ सेकेंड के लिए भी तो उस टाइम वहाँ का उस पोर्शन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है एंड देन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से वो आपका वो पोल या वो कॉर्नर आपका नेगेटिव हो जाता है और दूसरा कॉर्नर पॉजिटिव हो जाता है तो इस तरह से पोलैरिटी जनरेट होता है एंड जब एक में पोलैरिटी जनरेट होता है तो वो अपने अगल बगल के सारे में पोलैरिटी जनरेट करता है क्योंकि प्लस जो है वो माइनस को अट्रैक्ट करेगा माइनस जो है प्लस को अट्रैक्ट करेगा माइनस माइनस रिपल्शन करेगा ये जो रिपल्शन अट्रैक्शन है उसकी वजह से सारे मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंस हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का सारे में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स आपके एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे तरफ भेजता है एंड ऐसे पोलैरिटी जनरेट होता है एनी तो ये आपका टेम्प्ररी है बिकॉज वो आपका कॉन्स्टेंट रहने वाला नहीं है जैसे ही वो अपना इलेक्ट्रॉन्स में वापस से इलेक्ट्रॉन्स जो है जब अपने ऑर्बिट्स में अगेन रोटेट रोटेशन स्टार्ट कर दे तो हो सकता है कि वापस से वो डिस्टर्ब हो जाए आपके इलेक्ट्रॉन्स वापस डिस्टर्ब हो जाए एंड देन वो बॉन्डिंग वापस से टूट सकता है ए एंड बी के बीच में सो so एनी ये जो टेम्प्रेरी अट्रैक्शन फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका होता है दो अगल बगल एडजस्टिन मतलब नियर बाई नेबरिंग एटम्स के बीच के इलेक्ट्रॉन्स में जो जनरेट होता है टेम्प्रेरी अट्रैक्शन फोर्स उसी को बोला जाता है डिस्पर्सन फोर्स लंडन डिस्पर्सन फोर्स सो इन्हीं लंडन डिस्पर्सन फोर्स को कभी कभी इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन भी कहते हैं इंड्यूस मतलब जनरेटेड डाइपोल जिसके वजह से बगल वाले में भी जनरेट डाइपोल आपका डाइपोल जनरेट होता है दस इट इज ऑल्सो नोन एज इंड्यूस डाइपोल इंडियूस डाइपोल अट्रैक्शन एनीवेज उसी का यही जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके लिए जितना एनर्जी लग रहा है ये इस चीज़ के बॉन्डिंग को और इस चीज़ ये बॉन्ड बनने के लिए जो भी एनर्जी लग रहा है वो आप कैलकुलेट करते हो इन दी डिसपर्सन कॉम्पोनेंट देन आपका जो कॉम्पोनेंट है दैट इज़ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कॉम्पोनेंट सो वहाँ पे आप एनर्जी कैलकुलेट करते हो कितना एनर्जी लगेगा डाइपोल एट्रैक्शन के लिए डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कॉम्पोनेंट क्या है ये डाइपोल डायबल फोर्स क्या है जहाँ पर आपका यह वैसा एट्रैक्टिव फोर्स है जहाँ पे पॉजिटिव एंड एक पोलर सब्सटेंस का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड के साथ आपका कंबाइन करता है इट मीन्स आपका क्या होता है कि एक सब्सटेंस का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव दूसरे वाले का पॉजिटिव तीसरे आपके पहले वाले के नेगेटिव के साथ तो इस तरह से आपका बॉन्डिंग होता है पोलर सब्स्टांस के बीच में तो वहाँ कितना एनर्जी लग रहा है वो हम देखते हैं इन द डाइपोल कॉम्पोनेंट देन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉम्पोनेंट है वहाँ पे आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स को देखते हो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन को जहाँ पर क्या होता है ये एक आपका ज़रूरी नहीं कि जो पोलर सब्सटेंसेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हो हाइड्रोजन के अलावा भी वेरियस बॉन्डिंग्स होते हैं स्ट्रांग बॉन्ड्स है एक्सेप्ट हाइड्रोजन भी बट अगर आपका सब्सटांस किसी चीज़ का सॉलिबिलिटी आप डिटरमाइन करो तो उस सब्सटांस में कुछ हाइड्रोजन भी हो सकते हैं कुछ और भी बॉन्ड्स हो सकते हैं तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कितने सारे हैं वो भी हम कैलकुलेट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है दस आपके तीन कॉम्पोनेट्स में नॉन पोलर्स के बीच में अगर आपका सब्सटांस में कुछ नॉन पोलर बॉन्डिंग भी है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपका सबस्टांस में पोलर बॉन्डिंग है वो कैलकुलेट करोगे अगर आपके सब्सटांस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी कैलकुलेट अगर जो चीज़ नहीं है उसके लिए आप जीरो जस्ट पुट कर दो अगर जिस तरह का बॉन्डिंग नहीं है उसके लिए एनर्जी भी यूज़ नहीं होगा तो वो ज़ीरो हो जाता है तो ये चीज़ें आपके जो है यहाँ पर है सो एनी वेज अब मैं जो बताई थी कि आप लोगों को एट दी एंड में डिफ्रेंसेज बताऊँगी सो दर्ज आपका हैंसन एंड हिलर ब्रांड में ये डिफरेंसेज है कि सबसे पहले तो हिल ब्रांड जो है नॉन पोलर्स के लिए ज़्यादा कंपेटेबल है यूज़ करना सॉलविटी पैरामीटर डिटरमाइन करने के लिए वेर एज़ आपका हाइड्रोजन सॉरी आई मीन हैंसन जो है Hansen आपका मोस्टली uh, यूज़ uh, होता है पोलर सब्सटांसिस के लिए देन सेकंड डिफरेंस की अगर बात करें तो सेकंड डिफरेंस ये है कि जहाँ वहाँ पे आप जस्ट डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन को देखते हो वहाँ पे आप डिग्री ऑफ़ इंट्रैक्शन को देखते हो पर्टिकुलर सब्स्टांसिस के बीच के इंट्रैक्शन के कैपेसिटी को यहाँ पे हम वेरियस बॉन्डिंग को देखते हैं बॉन्ड सिमिलर होगा तो वो दो सब्स्टांस आपस में मिक्स हो सकते हैं जबकि हिल ब्रांड में क्या था कि अगर इंट्रैक्शन का जो वैल्यू है वो सेम होगा सिमिलर होगा तो वो आपस में मिक्स हो सकते हैं सो so, ये आपका चीज़ था एंड देन जो थर्ड पॉइंट है वो है कि आपके हिलर ब्रांड में आप स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं करते बट यहाँ पे स्ट्रक्चर को फोकस किया जाता है पूरी तरह से आपका थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है सो so, ये आपके वेरियस पॉइंट्स थे दोनों को मिलाकर ही हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो आइडल है या नॉन आइडल है सो so एनीवेज इसके साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा इट विल बी ऑन रॉल्स लॉ एंड देन आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन पर फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन गो एंड चेक माई चैनल होप दैट यू हैव फाउंड माई वीडियो यूजफुल इफ यू येस दैन प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन वैन आई पोस्ट माई वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय